अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। लगभग सातवें नंबर की तरह ही है। टोटल बोला है इसमें 50 पद हैं। पद यानी एन का मान कितना? 50। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 8। एन का मान हो गया 50। फिर बोला है जिसका तीसरा पद 12 है यानी A3। तीसरे पद को बच्चों क्या बोलेंगे? A3 तो बोलेंगे। कितना है? 12। फिर और क्या दिया है? और अंतिम पद 106 है। An का मान भी बोल दे कितना? 106 है। और 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद निकालना है? A 29 निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो एक ही चीज़ बच्चों कि हमें A और D का मान किसी भी तरह निकाल लेना है, और उसका मान कहीं पे भी किसी भी पद निकालने को हम रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम A और D निकालना है। तो देखो कहाँ से निकलेगा। अंतिम पद दे रखा है, n का मान दे रखा है, A3 दे रखा है। तो सबसे पहले हम A3 को उठाते हैं। A3 इक्वल टू 12। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है क्या? A प्लस 2D। D हमेशा कम किससे? पदों की संख्या से। तीन पद हैं, D का मान कितना हो जाएगा? 2D इक्वल टू 12। इसको ले लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। फिर बोला है अंतिम पद 106 है। तो एक फॉर्मूला हम ए एन का भी लगा देते हैं। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन गुणा में डी। डी का मान हमारे पास नहीं है। ए एन का मान दे रखा है कितना बच्चों में? 106। 106 रख दिया। ए का मान है क्या हमारे पास? फिलहाल ए का मान भी हमारे पास नहीं है, इसको हमने ऐसे रहने दिया। प्लस एन का मान है क्या हमारे पास? कितना? 50। माइनस एक गुणा डी का मान सार्वंतर हमारे पास है, वो भी नहीं है। तो इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो हो जाएगा बच्चों 106 बराबर में ए प्लस 50 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा? 49D। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। फिर से सेम कंडीशन बन गई है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो दोनों को ले लेते हैं विलोपन विधि में। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से दो समीकरण बन गए हैं, ठीक है? दोनों समीकरणों को ले लेते हैं यहाँ पे। पहला समीकरण जो है वो है ए प्लस 2D बराबर में 12। दूसरा समीकरण है ए प्लस का 49D इक्वल टू में 106। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि हमने सीखी है, दोनों अगर इक्वल में होंगे। देखो ये दोनों पॉजिटिव हैं, चिन्ह बदल देना है हमने खाली, और कुछ काम नहीं करना है। ये भी माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा। ये भी प्लस है, माइनस हो जाएगा। ए से ए हो जाएगा कट। यहाँ सॉल्व करके देखो बच्चों कितना आ जाएगा। 49 में से अगर दो घटाएंगे, देखो माइनस है और दो प्लस का छोटा है तो घटेगा ही। कितना आ जाएगा? माइनस का 47D इक्वल टू में देखो 106 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 में से दो जाएगा बच्चों, कितना आ गया? 4। यहाँ रहेगा हमारे पास 0। 10 में से एक घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 94। कैसे? माइनस का। देखो इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा कट। डी का मान निकालना है तो ये आ जाएगा 94। 47 गुणा में आ जाएगा किसमें? डिवाइड में। 47 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? 94 में 2 बार। 47 दूनी कितना होता है बच्चों? 94। डी का मान मिल गया। अब यहीं से हम निकाल लेंगे किसका? ए का मान भी। तो लिखते हैं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ए प्लस 2D। ए प्लस 2D इक्वल टू में कितना? 12। ए का मान निकालना है तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं, पंगे नहीं लेंगे इसे। डी का मान निकालना है, दो अभी हमने निकाल ही लिया था डी का मान, तो आ गया 12। तो ए प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर में 12। प्लस का 4 है, राइट में ले जाते हैं उठा के, आ जाएगा कितना? माइनस का 4। तो ए का मान बच्चों कितना आ गया? 8। दोनों चीज़ें मिल गई, जो सबसे बड़ी मुसीबत बनती है किसी भी क्वेश्चन के लिए, ए और डी। यही निकालना थोड़ा सा हार्ड होता है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है करने लायक। अब हमें बताना है 29वां पद, A 29 निकालना है। फॉर्मूला A प्लस क्या हो जाएगा? 28D। एक पद, सॉरी एक D कम रहेगा जो पदों की संख्या होगी। A का मान निकाला हमने 8। 28 गुणा D का मान अभी कितना निकाला बच्चों? 2। 28 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 16 का 6, 80 लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, आ जाएगा 56। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 8 और 6 14 का 4, 80 लगा 1, 5 और 1 6। तो 29वां पद बच्चों कितना है? 64 है। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन।